हेलो दर्शकों, स्वागत है आपका साराधिका न्यूज चैनल में। इसे भारतीय संस्कृति का अपमान बताते हुए मुंबई कांग्रेस ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार की निंदा की है कि उन्होंने कथित तौर पर महाराष्ट्र के रामलीला मंडल पर एक दिन पहले नवमी पर रावण दहन करने का दबाव डाला ताकि मुंबई का आजाद मैदान उपलब्ध हो सके। मंगलवार को सीएम की दशहरा रैली के लिए बार बार प्रयास करने के बावजूद शिंदे सेना समूह टिप्पणी के लिए उपलब्ध नहीं था। मुंबई कांग्रेस प्रमुख वर्षा गायकवाड़ ने शिंदे को पत्र लिखकर इस कदम को तुरंत वापस लेने की मांग की है। ऐसा न करने पर उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी इसके खिलाफ प्रदर्शन करने वालों का समर्थन करेगी। वर्षा दाई गायकवाड़ एक्सक्लूसिवली सारा अधिकार से बात किया और इस सिचुएशन को गलत बताया, जो निर्णय लिया गया उसे गलत बताया और इसे बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ऐसे उन्होंने कहा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सारा अधिकार। इस समय हम मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष वर्षाताई गायकवाड़ जी के ऑफिस में उपस्थित हैं। हम एक्सक्लूसिव उनसे बात करेंगे। मैम, वेलकम टू सारा अधिकार न्यूज चैनल। मुंबई महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे जी ने रिसेंटली कहा कि जो रावण दहन है वो एक दिन पहले किया जा रहा है, जिसको लेकर बहुत सारे विवाद जैसे चीज़ें सामने आ रही है और लोग काफ़ी नाखुश लग रहे हैं। मैम, आपका इस पर क्या कहना है, आपकी इसकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, आज़ाद मैदान पर जो रामलीला है जिसमें राम जी के जीवन चक्र पे पूरी तरह से उनके जीवन के मामले में बारे में जो है वो एक सहयोगी के रचना की जाती है, जिसका सभी राम भक्त और सभी भारत के निवासी बहुत आदरपूर्वक जो है वो उसको देखने का काम करते हैं। दुर्दैव से वहाँ पे उनके पार्टी की मीटिंग होने वाली एकनाथ शिंदे जी की, इसके लिए वो रैली के लिए उन्होंने मंडल जी को कहा कि दोनों मंडलों को कि आप एक दिन पहले या तो रैली आपका जो रामलीला चलता है उसको बंद कर दीजिए, क्योंकि नेक्स्ट डे हमारी रैली है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी कि उसमें हमारी सबसे बड़ी आपत्ति इस चीज़ के लिए है, क्योंकि जहाँ पे रामलीला शुरू होती है वहीं पे रामलीला ख़त्म होनी चाहिए, जिसमें रावण का दहन बहुत महत्वपूर्ण है और वो दहन जो है वो दशहरे के दिन होता है। लेकिन दशहरे के दिन खुद की पार्टी की रैली होने की वजह से उन्होंने कहा कि या तो आप एक दिन पहले ख़त्म कर दीजिए या तो आप कहीं और जगह पर जाके जो है वो रामलीला को कंटिन्यू कीजिए। ये सबसे पहला तो मुझे कहना है कि जिनके फॉलोअर करके वे हमेशा बात करते हैं, पूरे मुंबई भर में उनके कटआउट लगे हैं। बाड़ा साहब ठाकरे जी के फोटो के नीचे खुद का फोटो उन्होंने लगाया है, तो आदरणीय बाड़ा साहब ठाकरे जी रावण जी का दहन करके फिर वहाँ जाके बैठते थे। अभी दुर्दैव से रावण का दहन करना भी अगर नहीं करना चाहते हैं हमारे एकनाथ शिंदे जी, और दशहरे के दिन नहीं करना चाहते और एक दिन पहले कहते हैं कि रावण का दहन करो, तो ऐसा है कि साहब की मर्जी चलेगी, वो राज्य के मुख्यमंत्री हैं तो उनकी मर्जी चलती है हर जगह पे। मैम, इस विषय को देखकर हिंदुओं में काफ़ी ठेस पहुंचने की भावना नज़र आ रही है, कांग्रेस पार्टी का इसमें क्या पक्ष है, क्या आप इसका विरोध करेंगे और क्या कहना चाहेंगे जनता में, क्योंकि बहुत सारे कन्फ्यूजन है और विवाद भी सामने आ रहे हैं कि ऐसे नहीं होना चाहिए? देखिए, पहले तो हम इसका विरोध कर चुके हैं और अभी भी कर रहे हैं, एक तो चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ। और दूसरी चीज़ ये है कि ये नई परंपरा है, क्योंकि 48 साल से, छोटे साल नहीं है, एक दो साल की बात नहीं है, 48 साल से एक परंपरा चल रही जिसको बदलने की कोशिश ये कर रहे हैं। और दूसरा मेरा सबसे जो है वो सबसे बड़ा उनको विरोध इसलिए है क्योंकि आपके कन्वीनियंस के हिसाब से आपने रामलीला का किया है। एक जगह आप राम जी का नाम लेके राजनीति करते हैं, मुंह में उनका नाम लेते हैं, लोगों को डराने के लिए उनका नाम लेते हैं, राजनीति के लिए उनका नाम लेते हैं, और जब सच्ची में राम जी की रामलीला की बात आती है तो उसको रोक के आप अपने पार्टी का एजेंडा जिसमें चलने वाला है, अपनी वाहवाही करने वाले है, उसको कार्यक्रम के लिए आप प्रोत्साहित करते हैं। मैम, इसमें आपकी क्या रणनीति रहेगी मैम आगे जनता को? इसमें आवाज उठा के गए, ऑलरेडी हमने पत्र लिखा, उनके पास मंडल के पास परमिशन भी है, तो ऐसे समय में एक परमिशन होते हुए दूसरी परमिशन दी कैसे, हमारा मूलभूत सवाल है। लेकिन क्या करें, साहब बहुत बड़े हैं, राज्य के मुख्यमंत्री हैं, मंडलों को विनंती की है तो मंडल भी बेचारे अभी सोच में पड़ गए हैं। तो आज तो ऐसा हो गया कि दशहरा भी एक दिन पहले होगा, रावण का दहन भी एक दिन पहले।